नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 का 14वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीमें सीजन का अपना चौथा मैच खेलेगी। दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों के लिए सीजन कमोबेश एक सा गुजरा है। दोनों को दो हार और एक जीत मिली है, जहां चेन्नई दो मुकाबले चेस करते हुए हारी है, वहीं हैदराबाद एक मुकाबला चेस करते हुए वहीं दूसरे में वो स्कोर का बचाव नहीं कर पाई थी। लेकिन दिल्ली के खिलाफ टीम ने शानदार खेल दिखाया था और एक शानदार जीत भी हासिल की थी। चेन्नई जहां लगातार दो हार के बाद मैच खेलेगी, वहीं हैदराबाद जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए राहत की बात यह है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अंबाती रायडू और दिग्गज कैरेबियाई ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो आईपीएल 2020 में टीम के अगले मैच के लिए उपलब्ध होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स 6 दिन के अंतराल के बाद 2 अक्टूबर को हैदराबाद के सामने भिड़ने उतरेगी। बता दें, अंबाती रायडू 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले थे, लेकिन उस मैच के बाद उनको हैमस्ट्रिंग में चोट से जूझना पड़ा था। लेकिन धोनी की सबसे बड़ी समस्या प्लेइंग 11 में बदलाव करने को लेकर होगी। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की टीम केन विलियमसन के आने से मजबूत लग रही है। टीम में एक हिटर की कमी जरूर महसूस हुई है, लेकिन टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। डेविड वार्नर उसी टीम के साथ उतरना चाहेंगे जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरी थी। चलिए नजर डालते हैं क्या हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शेन वॉटसन, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, केदार जादव, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, दीपक चाहर और जॉस हेजलवुड। इसके अलावा सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन, अब्दुल समद, प्रियम गर्ग, राशिद खान, अभिषेक शर्मा, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।